वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों आज हम आए हैं माविया भाई के पास, और इसके पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला, कई सारे लोगों ने पूछा भी, तो हमने सोचा एक और वीडियो बना के आप सबको अच्छे से बता देते हैं कि कैसा, अगर आप बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं तो किस टाइप की आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये है माविया भाई। माविया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि माविया के पास बटेर जो है वो तीन अलग अलग कलर की बटेर है। तो पहली जो है ये है अल्बिनो, प्योर वाइट है, और ये है ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर की बटेर जो है बहुत ही रेयर है, इतनी ईजिली मिलती नहीं है फार्मिंग पे। क्यों माविया जी? इसलिए मीन्स उनको बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ता है जब जाके मिलती है। माविया के पास भी पर्सनली अगर 100 में से 5 पीस है शायद, आई थिंक, अगर एग्जांपल के तौर पर ऐसा लगा है 100 में है वो 5-7 पीस है। हाँ, बाकी छोटे भी है लेकिन बहुत रेयर कलर है, मिलता नहीं है। ओके, और ये है हमारे अनस भाई का छोटा भाई, तो इसके हाथ में है जो कॉमन बटर जो स्पेशली मीन्स हर फॉर्म पर मिलती है आपको, ये है वो कॉमन बटर। माविया इनका वेट कितना होगा? इनका वेट हो गया फैजान भाई करीबन 250 ग्राम से पौने 300 ग्राम। 250 से पौने 300, ये सब अंडे दे रही है बटेरे। ओके, अंडे ये दे रही है अभी तो फिलहाल। अंडे अभी मैं सेटअप पे आया, आपके तो अंडे नहीं थे, आप क्या बोल रहे थे शाम में? किसान फैजान भाई वो अपने को शाम में मिलते हैं, शाम में मैंने करीबन मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद में पूरा अंडे निकालता हूँ इनके। हाँ, एक वीडियो भी बनाया हूँ रात की शाम की, तो तीनों खाने में उसमें अंडे थे। वो वीडियो आप मेरे को भेज देना, मैं वो स्क्रीन पे, दोस्तों आप जो हमें माविया ने वो वीडियो भेजा है वो स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा। तो माविया यहाँ पर हम एक चीज लोगों से डिस्कस करेंगे, अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है तो किस टाइप से उसको करना चाहिए। और पर्सनली मेरे को भी ऐसा यहाँ पर ये फील होता है कि बटेर अगर आप पालते हो तो ज्यादा उसका मीन्स डिसएडवांटेज नहीं है। पहले तो इनको एक बीमारी नहीं आती है, और खाने में आप पहले तो बीमारी के बारे में आप बताइए कि कैस टाइप से रहता है। बटेर जो है फैजान भाई इनके अंदर बीमारी नहीं रहती है। ओके, यानी जो है और ग्रोथ जो है काफ़ी स्पीड में कर लेता है, ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मीन्स करता है। कितने दिन में ये फुल एडल्ट है? जी, ये फुल एडल्ट। ये कितने दिन में ये साइज? दो महीने के, विद इन 2 महीने के अंदर ये इतना साइज का होता है। अंडे कब देना चालू करता है? 2 महीने में स्टार्ट कर देता है अंडे। 2 महीने में? ओके, अगर ओके, और फॉर एग्जांपल अगर किसी को शौक है और कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाला हो, तो स्टार्टिंग में अगर वो मेरे हिसाब से 20 पीस भी रखना चाहे तो वो कैसे करता है? 20 पीस रखना चाहे तो उसमें मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होगी? 3 फीमेल पे 1 मेल रखना पड़ेगा। 3 फीमेल पे 1 मेल, तो 20 में कितना हुआ, 4 मेल रखने पड़ेंगे, 16 फीमेल, मतलब 15, 5 अपन मेल रख लेते हैं और फीमेल। तो आप अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई सब्सक्राइबर आपसे कांटेक्ट करता है और कोई ऐसा बोलता है कि 20 पीस सही है, तो आप उसको 15 फीमेल और 5 मेल ऐसा अरेंजमेंट करके दे सकते हो क्या? बिल्कुल। ओके, अभी जो अपना जी लॉट है पूरा ब्रीडिंग लॉट है, ब्रीडिंग लॉट है जो आपको देना हो, ठीक है, देना है ब्रीडिंग लॉट। मशीन जो है वो छोटी पड़ गई है, अंडे इतने आ नहीं पा रहे उसके अंदर। हाँ, तो आपके पास कितने अंडे की मशीन है? 900 अंडे की मशीन है, और आपको 900 अंडे भी मीन्स, ये कितने फीमेल आपके पास? अभी मेरे पास 120 फीमेल से 900 अंडे मीन्स आपको रखने को नहीं हो रहे और ज्यादा हो रहे, तो आपने फ्यूचर में क्या प्लानिंग की है? फ्यूचर में ये है प्लानिंग, फिलहाल में एक मशीन बन रही है बड़ी करीबन 1500 से 2000 अंडों की। 1500 से 2000 अंडों की आप एक मशीन में कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो फिर बढ़ाएंगे वापस से, अभी बच्चे भी है अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे। ओके, वो अपन रोक लेंगे, तो अभी इसलिए अंडे खराब हो रहे हैं, इस वजह से एक लॉट निकालना है। ओके, और ये चीज मेरे को बताइए, अगर कोई बटर फार्मिंग करता है तो उसको अंडा इंक्यूबेटर मशीन रखना बहुत जरूरी है? इंक्यूबेटर और हैचिंग मशीन दोनों रखना जरूरी है, उसके बिना तो मेरे को नहीं लगता बटर फार्मिंग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बटर अपने अंडे तो सेकते हैं नहीं लगातार, ये साल भर अंडे देते हैं, 280, 290, 300 अंडे
देते हैं साल में, ठीक है बटेर। ओके तो इंक्यूबेटर रखना और हैचिंग मशीन रखना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होता, नहीं हो पाएगा। और सर्दी गर्मी बारिश में कैसा प्रॉब्लम होता है इनको, कुछ बताइए इसके बारे में। गर्मी बारिश में ऐसा है कि देखिए बटेर जो है बहुत ज्यादा गर्म जानवर है, बहुत ज्यादा गर्म बर्ड से है। ओके तो इसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो बारिश हो यानी गर्मी के मौसम में इसको पूरा चारों तरफ से ढक के खस लगा के पानी चलाइए आप। मीन्स आइए आपका जो केज है इसमें आपने खस लगाई और उसमें पानी है, पानी चलाइए यानी मोटर लगा के कूलर की। ओके और पाइप फिटिंग करवा लीजिए। हाँ तो आप वो करवाइए तो उससे आपको बहुत, नहीं तो गर्मियों में मरना बहुत स्पीड में स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ मतलब गर्मी बहुत ज्यादा, और बारिश और ठंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए ठंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंड में आप खुला भी रखते हो, देखिए मेरा पूरा ओपन में, ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इनको। ओके गर्म इतना कि ठंड के अंदर भी हाँप रहा था जानवर। जैसे अभी भी अपन दिखाना चाहे तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ बटेर इसमें से हाँप रहे हैं, शायद आपको दिख जाए। ये देखिए जैसे ये है, ये वाली को आप देखोगे तो ये हाँप रही है। ओके और इनको यहाँ पे रखने का, अगर फॉर किसी के पास ज़्यादा स्पेस नहीं हो तो रखने का कैसा प्रोसेस है? देखिए रखने का ऐसा है कि आप रैक बनवा लीजिए ऐसी, इस टाइप की रैक, इस टाइप में। ये कैसी रैक है थोड़ा एक हमारे दोस्तों को बता दीजिए। रैक है ये, इसकी जो लंबाई है उधर से, हाँ हाँ गहराई जो है 3 फीट है। ओके लंबाई जो है वो 4 फीट है। हाँ और जो ऊंचाई है, हाँ इनका एक एक केज की जो ऊंचाई है 10-10 इंच है, 10-10 इंच है, 10-10 इंच की ऊंचाई है। और आपने खाने के लिए इनको साइड में फ्री स्टार्टर आप यूज करवा सकते हैं, पोल्ट्री का जो रहता है, पोल्ट्री का फ्री स्टार्टर, फ्री स्टार्टर आप यूज करवाइए इनको। और इनको पानी आप कहाँ से दे रहे हो? पानी पीछे से बॉटल लगी हुई है। हाँ पानी दोस्तों मैं आपको एक बार पीछे से भी ये यहाँ से इनकी पूरी बॉटल में कोई मेडिसिन वेडिसिन मिला के देते हो कि बस ऐसे? इनको जरूरत नहीं पड़ती है फिलहाल। क्यों? ये इनके अंदर यानी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी बाय चांस कोई अंडे में जैसा फर्टिलिटी तो उसके हिसाब से अपन दूसरी मेडिसिन दे सकते, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं पड़ती बटेरों को। खासियत इनकी यही सब चीजें रहती है कि इनको मुर्गी जैसा ट्रीट नहीं करना पड़ता है, इनका पूरा अलग रहता है। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो सेल कहाँ पे करना चाहिए? अगर उसके पास प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी सेलिंग कहाँ पे है? मीन्स किस टाइप के लोग इनको लेते हैं? एक तो ये खाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। हाँ, खाने तो के लिए लोकल में बहुत स्पीड में निकल जाती है। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात की पालने वाले शौकिया लोग भी है काफी। हाँ, तो सबसे ज्यादा लोकल में निकल जाती है, अपन जहाँ रह रहे हैं हाँ, तो वहाँ पर भी अक्सर लोग बहुत, और इसकी प्राइस बहुत कम रहती है। हाँ, तो जैसे ये एडल्ट है, इसकी प्राइस कितनी है अभी? एडल्ट का उसकी 100 रुपए पीस है, 100 रुपए पीस देती हुई। और जो सेमी एडल्ट है 50 रुपए पीस रहती है। 50 रुपए पीस मतलब एक महीने का चिक्स? जी एक महीने का। और अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे 50 पीस 100 पीस ये लेता हो तो कैसे मीन्स रहेगा उसका? देखिए कोई 50-100 पीस रहता है तो 100 रुपए अपन ने प्राइस रखे उसकी। हाँ? तो वो इस वजह से क्योंकि अदर जो फार्म है ज्यादातर हाँ? फार्म पर कुछ ज्यादा कीमत है इनकी, यानी बोले तो ज्यादा इंडिया में जो दूसरे फार्म है उसके ऊपर ज्यादा है इनकी। एडल्ट तो कोई देता नहीं है, वहाँ पर मशीन छोटी है, इस वजह से मैं भी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं देता एडल्ट पूरा। ओके तो ये एक मीन्स ऐसा है, मतलब मीन्स अगर किसी को बेचना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ नागपुर में, तो नागपुर में अगर मुझे इनको सेल करना हो तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये लोग इसको मीन्स ऐसा खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, या कोई होटल्स रही? जी, होटल से कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा कि हमारे पास ये है प्रोडक्शन है तो हम आपको सप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ये एक से सब चीज़ें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है जी। ये है कि नहीं? और एक चीज़ और ये थी कि इनके जो बच्चे रहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अंडे से बच्चे निकला तो उस टाइम उसको अगर कोई मेडिसिन देनी पड़ती है क्या? नहीं उसको भी कोई मेडिसिन नहीं देना पड़ती है बच्चे को भी। ओके इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती फैजान भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ। आप दाना दीजिए, पानी इनको बहुत ज्यादा लगता है। हाँ। पानी का बहुत ख्याल रखिए, पानी का इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हाँ। पानी में 1-1.5-2 घंटे की लापरवाही होती है तो उसमें 2-3 बच्चे मर जाते हैं। ओके बच्चों में जी ऐसा है। तो दोस्तों ये थे हमारा माविया का पूरा सेटअप, और अगर आपको मीन्स माविया से कोई सी भी इंक्वायरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में माविया का आपको नंबर है, आप उसको कॉल करके या कैसे भी करके कॉल या व्हाट्सअप करके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप इनसे ले सकते हैं। तो माविया एक हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है,
हमारे जो सब्सक्राइबर है तो उनको आप अच्छे से थोड़ा गाइड करिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो गाइड करिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और इसमें से आप जो बोल रहे थे अगर आप कोई हमारा बंदा चाहता हो तो ये है वो। जी ये पूरा लॉट है जिसमें से कुछ पीस मैंने, देखिए देखिए वो अंडा दे दिए अभी, अब हाँ। लगातार ये चालू रहेंगे अंडे इनके। तो दोस्तों ये अभी अंडा आया है शायद, अब शाम तक इनके अंडे पूरे अच्छे से। कितने कितने अंडे हो जाते हैं? करीबन 40 फीमेल है, 30-35 अंडे तक हो जाते हैं। 30-35 कम भी रहते हैं, यानी हर दो कुछ दिनों में कम उठाव चढ़ाव होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई 50 पीस पाल रहा हो तो उसको खाने का कितना किलो को लगता है महीने भर में? महीने भर में जो कोई 50 पीस पाल रहा है फिलहाल उसको करीबन 1 क्विंटल दाना लगता है। 50 पीस का 1 क्विंटल दाना, वो क्या रुपये किलो दाना आता है? दाना पड़ता है फैजान भाई, मान के चलिए आप वो पड़ेगा 30-35 रुपए किलो। 30-35 रुपए किलो, तो 3000 40 पड़ेगा, 40 रुपए किलो दाना पड़ेगा, तो मतलब 4000 रुपए का दाना हुआ। अगर कोई 50 पीस में इतना दाना लगता है? और लेकिन इनकी ग्रोथ वगैरह बहुत स्पीड में है, बच्चों में ज्यादा नहीं लगता है। बच्चा तो आधा आधा 500 ग्राम दाने में तैयार हो जाता है, 500 ग्राम दाने में मतलब आधा किलो दाने में पूरा हुआ होता है, बच्चा तैयार हो जाता है आपका। ओके ओके, तो ये है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में माविया का नंबर है, एंड वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अभी के लिए थैंक यू सो मच।